है, जी तो आपको ये लगता है कि पहले का सिस्टम अच्छा था, अभी फिलहाल सिस्टम खराब है, इसलिए आप चेंज ला रहे हैं। जी पर जैसे मल्ल सर ने कहा, पहले जो आईआईटी में अच्छे अच्छे ब्रीड के स्टूडेंट जाते थे, उससे में भी उस समय 12th के बोर्ड के मार्क्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी दूसरी बात, हम लोग कब से फॉर्मूले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ, फॉर्मूला जी आईआईटी जेई में 20 परसेंटाइल, उन्होंने कहा अभी 20 परसेंटाइल सिर्फ साइंस के बच्चे होंगे, ये 20 परसेंटाइल साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के बच्चे होंगे, जी इसका कोई कोई उपाय नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देश में हो सकता है काफी बच्चे ऐसे होंगे जो विज्ञान समझते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री समझते हैं, जी परसेंटाइल नहीं समझते हैं। बिल्कुल सब्जेक्ट जानते हैं पर उनको ये पता नहीं है कि उनको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए। जी मेंस में आपकी एप्टीट्यूड की टेस्ट होगी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की परीक्षा होगी। जो बच्चे भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दो दो मौके मिलते हैं, दो अवसर रहते हैं आईटी जेई के एग्जाम देने के। जो बच्चे अभी जो दोबारा दे रहे हैं एग्जाम, उनमें तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, जी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, अगले साल के आईटी जेई के भरोसे ही वो बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनको वापस दोबारा बोर्ड का एग्जाम्स लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिकॉज ये तो लास्ट ईयर तक पता नहीं था। जी तो मेरे को तो लगता है कोई फॉर्मूला ही नहीं है। खंडेलवाल जी, जो बात ये कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे?